देविंदर जी, धर्मपाल जी, ओम सिंह जी और जगपाल जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, साथियों, आज की ये पंचायत अभी एक निर्णय मिल में लिया गया है कि जो हमारे संविधान पे जो यहाँ पे स्थायी जो कर्मचारी हैं उनको आउटसोर्सिंग कहते हैं, वैसे एक ठेकेदारी के तहत उसका टेंडर कर दिया गया। ये व्यवस्था शायद 2014-15 में थी, हमारे आने के बाद में जो ये नया संचालक मंडल बना था उसके बाद में उसको खत्म कर दिया गया था। और ये बिना बोर्ड की किसी सहमति के ये ऐसा निर्णय लिया गया। इसके जो नुकसान हैं वो सबसे भारी नुकसान हमारे किसान भाइयों को है, क्योंकि पूरी की पूरी ताकत अब जो यहाँ पे कर्मचारी हैं मिल के अधिकारियों के अधीन हैं, आप लोग अपना विषय रख सकते हैं, उसका कुछ समाधान भी हो सकता है। अब प्राइवेट कोई कंपनी है उसके माध्यम से जो लोग यहाँ पे काम करेंगे, ना तो कोई मिल का अधिकार उन पे रहेगा और ना ही किसानों का। और इसमें हम जो व्यवहारिक हैं वो चर्चा कर सके, जैसे गन्ने का ही है, रोज की तुलाई है। अब तोल बाबू है, वो एक गांव में 1,000-2,000 क्विंटल गन्ने की तुलाई करके और वो पर्ची ना बनाओ चला जाओ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तो अधिकारी है, हम दबाव बना लें, फिर कोई किसी तरह की किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी है यार्ड में, और बहुत समस्या है, आप समझ सकें हर क्षेत्र में इसका बहुत भारी नुकसान होगा। नंबर एक पे तो यही है कि हम अपनी बात कहीं रख नहीं सकते, कोई बात हमारी सुनी नहीं जाती किसान भाइयों की। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो कर्मचारी है जो काम कर रहे लगभग 10-12 साल से हैं, कुछ कर्मचारी पिछले 2-3 साल से हैं, बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कूली 5,000-6,000 रुपए मिले हैं। 5,000-6,000 रुपए में किसी का घर नहीं चलता, किसी की जीविका नहीं चलती। वो नौकरी यहाँ पे केवल इसलिए कर रहे हैं इस उम्मीद पे कि यहाँ पे वैकेंसी आवेगी और वो लोग यहाँ पे परमानेंटली स्थायी रूप से उन्हें नौकरी मिल जाएगी, एक इस उम्मीद पे। नहीं तो हम घर पे भी जो एक अपना सहायक नौकर जो भी रखे 5,000-6,000 रुपए तो उसको भी दे दिए, एक उस उम्मीद पे ये लोग सब यहाँ पे काम करेंगे, कल वैकेंसी आएंगी और हमें यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। ये व्यवस्था लागू होने के बाद में वो भी गुंजाइश नहीं रहती, वे संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसमें जितनी जानकारी हमें हुई, कल मैं डीएम साहब से भी मिला था, मैं उनसे भी पूछा था कि आपके द्वारा कोई इस तरीके का निर्देश हुआ हो, तो फिर ये विषय आया कि भाई ऐसा हो कि भाई शासन से कोई आदेश हो। शासन से हर एक मील में ऐसा आया कि भाई आप अगर आपको कर्मचारी चाहिए तो आप आउटसोर्सिंग से बोर्ड की सहमति से प्रस्ताव करके आप लोग रख सकते हैं, अगर कहीं बोर्ड सहमत नहीं है, वहां के लोग सहमत नहीं है, तो आप वो प्रस्ताव वो इस तरीके की व्यवस्था नहीं कर सकते। और उस पर हम सहमत नहीं थे, हमने उसका विरोध करा, उसके बावजूद भी वो व्यवस्था यहाँ पर उसका टेंडर कर दिया गया। मैं लखनऊ भी चल अधिकारियों